हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, एक सीरीज चल रही थी हमारी उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, आज भाग 12 है। इसमें हम चर्चा करेंगे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की, पंडित हरगोविंद पंत जी की। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इनके उपनाम प्रचलित हैं, अभी हम जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि उत्तराखंड की महान विभूतियाँ जो सीरीज मैंने शुरू की थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है UK SSSC के एग्जाम की दृष्टि से, या UK PSC प्रारंभिक परीक्षाओं। ठीक है, वहाँ पर जो इसमें फैक्ट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, या जो भी इन व्यक्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इससे पूर्व में मैं आपको 11 भाग दे चुका हूँ, जिसमें हमने पंडित गोविंद वल्लभ पंत और उसके साथ साथ बैरिस्टर मुकुंदी लाल, दरबान सिंह नेगी, वीर गबर सिंह नेगी, काफ़ी महान विभूतियों के बारे में चर्चा किया। आज पंडित हरगोविंद पंत जी के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय की बात करूँ, हरगोविंद पंत की मैं अगर बात करता हूँ गाइज, ये बिल्कुल समकालीन थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के, मतलब पंडित गोविंद वल्लभ पंत के ही साथ साथ के थे ये, लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं थी वो थोड़ा अलग थी। क्योंकि देखिए, पंडित जी का जन्म हुआ था सन 1887 में, ठीक है, 87 में, और हरगोविंद पंत जी का जन्म हुआ था 19 मई 1885 को। 2 साल का डिफरेंस था, अल्मोड़ा में ही दोनों यहाँ पर पले बड़े, और लेकिन जो विचारधाराएं थी थोड़ा अलग थी। जहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत की विचारधारा जुड़ी हुई थी नरमपंथी विचारों से, वो फॉलो करते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, वहीं हरगोविंद पंत जी उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे, जो कि फॉलो करते थे बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा को। ठीक है, तो 1885 में जन्म हुआ इनका 19 मई को, ठीक है, और जन्म स्थान है चितई गांव अल्मोड़ा। ये वही चितई गांव है जहां पर चितई गोलू मंदिर भी स्थित है, और काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक प्लेस है ये राज्य का। प्रतिवर्ष यहां पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी शादियां यहां पे की जाती है, और न्याय का देवता भी बोला जाता है इस मंदिर को, चितई मंदिर को। तो चितई गांव अल्मोड़ा में ही इनका जन्म हुआ था। जन्म वर्ष को भी अच्छे से याद रखें आप, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लास्ट एग्जाम में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म पूछा था किसी एक एग्जाम में, ठीक है, तो 1885 आप इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे, और काफ़ी राष्ट्रवाद और देश भावना इनके अंदर भरी हुई थी। देखिए, बनारस अधिवेशन हुआ 1905 में, कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1905 में बनारस में, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक जो कि जाने जाते हैं उग्र विचारधारा गरम दल वाले थे वो नेता, ठीक है, लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये गरमपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो इनके इनको अपना गुरु मानते थे ये कौन, पंडित हरगोविंद पंत, ठीक है, और 1905 बनारस अधिवेशन था। इसके बाद काफ़ी संलग्न हुए, और जो भी उस समय जो मूवमेंट चल रहा था देश में, स्वतंत्रता का मूवमेंट हो, साथ ही जो उत्तराखंड की अन्य समस्याएं थी, उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था पंडित हरगोविंद पंत जी ने। और कुमाऊं कांग्रेस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था इनका, ठीक है, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हो जाती है कुमाऊं में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि देखिए, कुमाऊं कांग्रेस जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे थे या छोटे छोटे जो मुद्दे थे उनको यहाँ पे अनदेखा कर रही थी। तो इसको देखते हुए कुमाऊं के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये फैसला लिया कि वो अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे। तो इसी के फलस्वरूप 1916 में नींव पड़ती है किसकी, कुमाऊं परिषद की। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण इनका रोल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अब देखिए, 1918 में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है, जहां पर कुली बेगार प्रथा उन्मूलन प्रस्ताव लाया जाता है 1918। सबसे पहले मैं चर्चा करूँ, ठीक है, तारादत्त गैरोला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन तारादत्त गैरोला जी उदारवादी विचारधारा के थे। तो यहाँ पे बड़ी चर्चा हुई कि जो हमारी कुली बेगार प्रथा चल रही है उत्तराखंड में, इसका दमन कैसे किया जाए, हम असहयोग की नीति अपनाएं इसमें, या हम सीधे उग्रवाद का लाएं यहाँ पे कि उग्रवाद के जरिए हम इसको खत्म करें। तो यहाँ पे बात बन नहीं पाई थी इसमें। 1918 में प्रपोजल तो लाया गया, लेकिन इस प्रपोजल को नकार दिया गया, क्योंकि उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, जो उदारवादी या नरम दल के व्यक्तित्व वाले नेता थे, तारादत्त गैरोला जी, ठीक है। लेकिन जब 1920 में क्या हुआ, कुमाऊं परिषद का काशीपुर अधिवेशन हुआ, यहाँ पे मौका मिल गया इनको अध्यक्षता करने का पंडित हरगोविंद पंत जी को। तो इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की इस अधिवेशन की कुमाऊं परिषद के, और इसमें कुली बेगार प्रथा उन्मूलन प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। तो बोला गया कि अब भैया जो हम अपील कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होने वाला, कुली बेगार प्रथा को हमने समाप्त करना पड़ेगा, कैसे, थोड़ा अंग्रेजों को
दम दिखाकर, खौफ दिखाकर, उग्रवाद दिखाकर, तब जाके मानेंगे। और हुआ भी वैसे ही, अगले वर्ष 1921 में मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में क्या होता है, कुली बेगार के जितने भी रजिस्टर थे वो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने सरयू नदी में बहा दिए थे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे आंदोलन ऐसा हुआ नहीं था इससे पूर्व, डायरेक्टली यहाँ पे एक्शन लिया गया। तो ये थी उग्रवाद विचारधारा इनकी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन यहाँ पे से निकल सकता है, जब कुली बेगार प्रथा उन्मूलन प्रस्ताव लाया गया था किस अधिवेशन में लाया गया था कुमाऊं परिषद के, तो काशीपुर अधिवेशन में लाया गया था। उस समय अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की पंडित हरगोविंद पंत जी ने। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं UK SSC के एग्जाम में। और इसके साथ साथ इनका अहम योगदान रहा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जन समस्याएं हो, राजनीतिक चेतना है, तो काफ़ी इन्होंने कार्य किया कांग्रेस के लिए, काफ़ी कार्य किया इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इनको कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के काम किए थे, शीतला खेत अल्मोड़ा में इन्होंने 1921 में सिद्धा आश्रम की स्थापना की थी, तागे खेत में इन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की 1921 में ही। और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने कार्य किया, समाज के वर्गों को आपस में मिलाने के लिए, समाज में सभी वर्गों के बीच एकता को बसाने के लिए, एकता का सामंजस्य बिठाने के लिए इन्होंने एक काम किया था कि इन्होंने पंडित होते हुए इन्होंने खुद हल चला दिया था। तो ये एक काफ़ी बड़ा उस समय का पॉइंट था, देखा जाए तो सोसाइटी कितनी रूढ़िवादी थी हमारी। तो 1928 में बागेश्वर में इन्होंने क्या किया, स्वयं हल चलाकर कुलीन वर्ग की हल न चलाने की प्रथा को तोड़ दिया। देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में ये प्रथा प्रचलित थी और वर्तमान में भी प्रचलित है गाइज, कि जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं वो हल को स्पर्श नहीं करते हैं। तो हल को स्पर्श न करने वाली इस प्रथा का अंत किया था पंडित हरगोविंद पंत जी ने, इन्होंने स्वयं ही हल चलाया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम में किसी उत्तराखंड के, कि पंडित हरगोविंद पंत ने हल न चलाने वाली जो प्रथा थी कब तोड़ी थी, वो 1928 में, और कहाँ पे किया था ये कार्य उन्होंने, बागेश्वर में किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो ये इतना ही सफर रहा इनके। इसके बाद ये असेंबली में भी चुने गए, ठीक है, विधायक भी रही है और उपाध्यक्ष भी रही है विधानसभा के, संयुक्त प्रांत के। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही इनकी लाइफ की देखा जाए, और साथ ही काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए थे इन्होंने। और इसलिए देखिए, उत्तराखंड का जननायक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड का जननायक बोला जाता है पंडित हरगोविंद पंत जी को। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है पंडित हरगोविंद पंत जी को। और देखिए, सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है इनको। देखिए, सल्ट की घटना, देखिए सल्ट कुमाऊं क्षेत्र का वह प्लेस था सल्ट, जहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी। ठीक है, और इनको लीड कर रहे थे पंडित हरगोविंद पंत, तो इसलिए इन्हें सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। सल्ट की घटना हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, जब देखिए गढ़वाल का जन जागरण मैंने शुरू किया था, वो लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ चैप्टर रह गए हैं, जल्दी दूंगा मैं आपको। कुमाऊं का जो जन जागरण शुरू होगा वहाँ पे सल्ट की घटना का उल्लेख करेंगे हम, तब आप जान पाएंगे अच्छे से। तो सल्ट में काफ़ी इनका मतलब योगदान रहा, वहाँ पे जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उनमें बढ़ चढ़ कर इनने भाग लिया था और काफ़ी नेतृत्व किया वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों का, इसलिए इनको सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, समझ पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का जननायक, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, सल्ट का राजनीतिक गुरु किसको बोलते हैं, पंडित हरगोविंद पंत जी को। ठीक है, सो गाइस, ये था आज उत्तराखंड के महान विभूतियाँ भाग 12, जहाँ पे बात की हमने अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ पंडित हरगोविंद पंत जी के बारे में। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताए एग्जाम दृष्टि से उनको आप नोट कीजिए। साथ ही मैं आगे बढ़ने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के वॉरियर्स कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप मेरे प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलेंगे। देखिए, आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का फिजिकल डेट आ चुकी है, तो आप फिजिकल की तैयारियाँ कीजिए, काफ़ी कम दिन बचे हैं, आज आपका 10 दिन से कम बचे हैं, 25 से अगर शुरू होता है तो इन 10 दिनों में आपको निखारना है अपनी प्रैक्टिस को, साथ ही फिर एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो अब बिल्कुल आपने पीछे नहीं हटना है, कहने का मतलब अपनी तैयारी को आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, स्टडी करना शुरू करना है, 1-2 घंटे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, 1-2 घंटे हिंदी, 1-2 घंटे अन्य सामान्य अध्ययन के टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ाई पर यहाँ पर फोकस बनाएं। ठीक है, इसी आशा के साथ मिलूंगा मैं आपको जल्दी ही, आप मेहनत करेंगे और जल्दी सक्सेस होंगे और ये कारवा हमारा चलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।